हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सीखा कि कैशबुक क्या होता है, सिंगल कॉलम कैशबुक को हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डबल कॉलम कैशबुक को हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सीखा था कि कैशबुक क्या होता है और सिंगल कॉलम कैशबुक को हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। दोस्तों, कैशबुक एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, या तो आप कैश रिसीव कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को आप कैशबुक में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसका आप अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो सिंगल कॉलम कैशबुक में हम लोग सिर्फ कैश को मेंटेन करते थे, यानी कि कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तब उसका एंट्री करते थे, कैश अगर बिजनेस से जा रहा है तब उसका एंट्री करते थे। लेकिन डबल कॉलम कैशबुक में क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले तो जान लें कि डबल कॉलम कैशबुक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों, डबल कॉलम कैशबुक तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जिसमें कैश और बैंक का कॉलम हो, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंगल कॉलम कैशबुक में क्या होता था, कैश का एक कॉलम होता था, ठीक है। डबल कॉलम यानी कि नाम से ही पता चल रहा है उसमें दो कॉलम होंगे, तो या तो वो कैश और बैंक का कॉलम हो सकता है, या फिर कैश या डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, या फिर तीसरा है बैंक और डिस्काउंट का कॉलम। क्लियर दोस्तों? तो कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक तीन तरीके के हो सकते हैं, जो मैंने आपको यहां पे बताया। अब दोस्तों, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पहला वाला, कैश और बैंक कॉलम का क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम बताते हैं। दोस्तों, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अगर इसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो डबल कॉलम कैशबुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं कैश और बैंक से रिलेटेड ही होते हैं। और अगर दोस्तों, अगर आप कहीं पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप अगर एक अकाउंटेंट हैं, तो वहाँ पे भी जो आपको कैशबुक मेंटेन करने के लिए मिलेगा वो डबल कॉलम कैशबुक ही मिलेगा और उसमें कैश और बैंक का कॉलम ही होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो डबल कॉलम कैशबुक में कैश और बैंक कॉलम वाला जो कैशबुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इन एग्जांपल्स की मदद से हम डबल कॉलम कैशबुक मेंटेन करना सीखेंगे। दोस्तों, डबल कॉलम कैशबुक की अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो ये है दोस्तों उसका फॉर्मेट। आइए पहले इसे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कैशबुक होता है वो लेजर के फॉर्म में होता है, दो पार्ट में होता है, ठीक है। यहाँ तक एक पार्ट है और इससे आगे फिर एक पार्ट है, इसे हम डेबिट पार्ट कहते हैं और इसे क्रेडिट पार्ट। क्लियर दोस्तों? अगर कॉलम्स की बात करें तो सबसे पहले डेट का कॉलम है, फिर पार्टिकुलर्स या फिर रिसिप्ट, ठीक है। डेबिट साइड में जितने भी रिसिप्ट होते हैं उसे हम एंट्री करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम पार्टिकुलर्स या रिसिप्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है, उसके बाद एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। चूंकि ये डबल कॉलम कैशबुक है इसलिए यहाँ पे एक कैश का कॉलम है और एक बैंक का कॉलम है। अगर ये सिंगल कॉलम कैशबुक होता तो यहाँ पे सिर्फ कैश का कॉलम होता। क्लियर है दोस्तों? उसी तरह क्रेडिट साइड में भी जितने कॉलम्स डेबिट साइड में हैं उतने ही कॉलम्स क्रेडिट साइड में भी है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे सिर्फ पार्टिकुलर्स में क्या है, पेमेंट है। क्लियर है? तो ये है दोस्तों हमारे कैशबुक का फॉर्मेट। अब आइए दोस्तों एग्जांपल्स की मदद से हम इसे समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैश इन हैंड रुपीज 10,000 एंड कैश एट बैंक रुपीज 20,000। जब भी आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले दिया रहेगा आपको कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस में अभी जिस डेट को आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस डेट को आपके बिजनेस में 10,000 रुपया कैश पड़ा हुआ है ना, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आपके बिजनेस में 10,000 रुपया कैश का पड़ा हुआ है। उसी तरह दोस्तों कैश एट बैंक रुपीज 20,000, यानी कि उस डेट को आपके बैंक अकाउंट में कितना रुपया है पड़ा हुआ दोस्तों, तो 20,000 पड़ा हुआ है। क्लियर दोस्तों? तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे? तो इसका एंट्री कुछ नहीं करना है, इसका एंट्री के लिए हम आ जाएंगे डेबिट साइड में। सबसे पहले हम डेट लिख लेंगे, ठीक है, 1 मार्च 2020, ठीक है। पार्टिकुलर्स में क्या आएगा दोस्तों? टू बैलेंस बी डी, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बिकॉज आप यहां पे ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और कैश के कॉलम में कितना आ जाएगा? कैश के कॉलम में आ जाएगा 10,000, बिकॉज कैश इन हैंड कितना है दोस्तों? 10,000 है। क्लियर है? कैश एट बैंक कितना है? 20,000। तो बैंक के कॉलम में कितना आ जाएगा? 20,000। क्लियर दोस्तों? जब भी क्वेश्चन में दिया रहा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो उसका एंट्री आप डेबिट साइड में करेंगे, रिसिप्ट साइड में करेंगे, ठीक है दोस्तों। और पार्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, यानी कि
बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 5000, 5000 रुपया का गुड्स आपने कैश में सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप गुड्स कैश में सेल करेंगे तो आपके बिजनेस में क्या होगा दोस्तों, कैश आएगा यानी कि रिसीप होगा, है ना। तो इसका एंट्री हम कैश बुक के किस साइड में करेंगे, रिसिप्ट साइड में करेंगे, क्लियर है दोस्तों। ट्रांजेक्शन का डेट क्या हो जाएगा, 2 मार्च 2020, ये हो जाएगा 2 मार्च 2020। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्यों लिखेंगे दोस्तों, बिकॉज सेल्स करने पे आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अमाउंट कितना है दोस्तों, अमाउंट है 5000, और ये 5000 इस कॉलम में जाएगा या इस कॉलम में जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, है ना, यानी कि सेल करने पे आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो ये जो अमाउंट है ये कैश के कॉलम में आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन रुपीज 2000, 2000 रुपया मोहन से रिसीव हुआ क्या कैश, ठीक है। तो कैश बुक के किस साइड में एंट्री होगा दोस्तों, रिसीप्ट साइड में एंट्री होगा, बिकॉज आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे, 3 मार्च 2020 डेट हो जाएगा, 3 मार्च 2020 यहां पे लिखेंगे टू मोहन अकाउंट, ठीक है, बिकॉज आप मोहन से कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में एंट्री होगा, ठीक है। कितना अमाउंट है दोस्तों, 2000, तो यहां पे आ जाएगा 2000, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेक रिसीव फ्रॉम राम रुपीज 4000, 4000 रुपया का चेक आपने राम से रिसीव किया, क्या किया, रिसीव किया, तो कैश बुक के रिसीप्ट साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका एंट्री कैसे होगा, ट्रांजेक्शन का डेट हो जाएगा 4 मार्च 2020, यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टू राम अकाउंट, बिकॉज आप जो चेक रिसीव कर रहे हैं वो किससे रिसीव कर रहे हैं, राम से कर रहे हैं, क्लियर दोस्तों। जब आप चेक रिसीव करेंगे तो उस चेक को आप क्या करेंगे दोस्तों, उस चेक को आप ले जाकर के बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और वो अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ना कि कैश में आएगा, क्लियर दोस्तों। जब आप चेक किसी से रिसीव करेंगे और उसे जाकर के अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे, तो वो जो अमाउंट है चेक का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो हम किस कॉलम में डालेंगे, बैंक के कॉलम में डालेंगे, क्लियर दोस्तों। कितना अमाउंट है, 4000, तो ये जो 4000 है ये बैंक के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सैलरी पेड बाय चेक रुपीज 6000, 6000 रुपया आपने सैलरी पेमेंट किया है बाय चेक, ठीक है, चेक से सैलरी आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि बिजनेस में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश बुक के किस साइड में एंट्री करेंगे दोस्तों, इसका पेमेंट साइड में एंट्री करेंगे, क्लियर है। चलिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन का डेट 5 मार्च 2020, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय सैलरी अकाउंट, क्यों लिखेंगे दोस्तों, बिकॉज सैलरी आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अमाउंट जो है वो कैश के कॉलम में जाएगा या बैंक के कॉलम में, दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सैलरी पेड बाय चेक, चेक से आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। तो जब आप चेक से सैलरी पेमेंट करेंगे तो आपका कैश घटेगा, नहीं घटेगा, आपका क्या घटेगा, बैंक घटेगा। जब वो चेक क्लियर होगा तो आपके बैंक का जो अमाउंट है वो घट जाएगा। तो इसका एंट्री हम किस साइड में करेंगे दोस्तों, इसका एंट्री हम बैंक साइड में करेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6000, क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेड टू सुरेश बाय चेक रुपीज 3000, 3000 आपने सुरेश को पेमेंट किया है बाय चेक, ठीक है। तो पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में हम आ जाएंगे, ट्रांजेक्शन का डेट हो जाएगा 6 मार्च 2020, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सुरेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, बिकॉज आप सुरेश को पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बाय चेक, है ना। जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक अमाउंट घटेगा, तो इसका एंट्री हम किस साइड में करेंगे, बैंक के कॉलम में करेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना है दोस्तों, 3000, क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैश परचेज रुपीज 5000, 5000 रुपया का गुड्स आपने कैश में परचेज किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स आप परचेज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप 5000 रुपया कैश पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पेमेंट साइड में आ जाएंगे, इसका एंट्री हम पेमेंट साइड में कर देंगे, ट्रांजेक्शन का डेट 7 मार्च 2020, यहाँ पे हो जाएगा बाय परचेज अकाउंट, बिकॉज परचेज के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो कैश में कर रहे हैं। तो ये अमाउंट किस कॉलम में आएगा,
कैश के कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज 7000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा इसे आप, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। क्या होगा दोस्तों इसका जर्नल एंट्री, कैश जब आप बिजनेस में बिजनेस का कैश जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसका क्या जर्नल एंट्री होगा? उसका एंट्री होगा दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना एंट्री। बैंक आपका एसेट है, ठीक है, बैंक आपका बढ़ रहा है, कैश बैंक में डिपॉजिट करने से बैंक आपका बढ़ रहा है, तो एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। कैश क्या हो रहा है दोस्तों, बिजनेस से घट रहा है, कैश कैश भी आपके लिए क्या है, एसेट है, और एसेट जब घटता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है दोस्तों। और अमाउंट जो है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 7000 and 7000। क्लियर है, ये आपका जर्नल एंट्री होगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब इसका एंट्री हम कैश बुक में कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बिजनेस में क्या हो रहा है कि बैंक बढ़ रहा है ना, बैंक आपका बढ़ रहा है, बैंक में अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो कैश बुक में हम डेबिट साइड में आ जाते हैं, रिसिप्ट साइड में आ जाते हैं, ठीक है। रिसिप्ट साइड में हम ट्रांजेक्शन का डेट लिखते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च 2020, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्यों लिखेंगे दोस्तों कैश अकाउंट, बिकॉज कैश डिपॉजिट करने के वजह से आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। कैश जब आप बिजनेस का कैश लेकर के जब आप बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं तब आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है ना, तब आप बिजनेस के बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम डालेंगे कैश अकाउंट। क्लियर है दोस्तों। और किस कॉलम में अमाउंट आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में। क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि आप बैंक में ये 7000 रुपया रिसीव कर रहे हैं। क्या हो रहा है दोस्तों, 7000 रुपया कैश आप बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए उसके साथ साथ दोस्तों बिजनेस से आपका कैश जा भी रहा है ना, बिजनेस से क्या हो रहा है कैश जा रहा है, जब आप कैश ले जा करके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे तो आपके बिजनेस में कैश घट जाएगा है ना, यानी कि आप पेमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पेमेंट साइड में आ जाते हैं, पेमेंट साइड में भी ट्रांजेक्शन का डेट सेम ही रह जाएगा 8 मार्च 2020, और यहां पे हम लिखेंगे दोस्तों बाय बैंक अकाउंट। क्यों लिखेंगे बैंक अकाउंट दोस्तों, इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपका कैश क्यों घट रहा है, आप कैश किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कैश जो है आप बैंक अकाउंट में डालने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे हम डालेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्लियर दोस्तों। और अमाउंट कितना हो जाएगा 7000, और ये 7000 किस कॉलम में जाएगा, कैश के कॉलम में जाएगा। क्यों जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके बिजनेस से 7000 रुपया कैश निकल रहा है, ठीक है। अब इसे दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस से 7000 रुपया कैश निकला और आप ही के बिजनेस के बैंक अकाउंट में 7000 रुपया कैश डिपॉजिट हो गया, ठीक है। इस एंट्री को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी इस तरह का एंट्री हो कि बिजनेस से कैश निकाला गया, एक अकाउंट से पैसा निकाल करके दूसरे अकाउंट में डाला गया, या फिर बिजनेस से कैश लेकर के बैंक अकाउंट में डाला गया, या फिर बैंक अकाउंट से कैश निकाला गया बिजनेस यूज के लिए, तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, यानी कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन या फिर बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन अगर होगा तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लेजर फोलियो में यहाँ पर इस तरह से सी लिख करके गोल घेर देंगे। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 5000। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से आप 5000 रुपया निकाल रहे हैं, किस लिए, ऑफिस यूज के लिए, ठीक है, यानी कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से आपने 5000 रुपया कैश निकाल लिया, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों जर्नल एंट्री, इसका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बिजनेस में क्या हो रहा है कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट है, तो जैसे जब बढ़ता है तो उसे हम डेबिट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है बैंक घट रहा है, बिकॉज आप बैंक अकाउंट से पैसा निकाल ले रहे हैं, तो बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट है, और एसेट घटेगा तो क्या करेंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये होगा आपका ट्रांजेक्शन दोस्तों। अब इसका एंट्री हम कैसे करेंगे कैश बुक में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, कैश आप बिजनेस में रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव साइड में हम एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन का डेट हो जाएगा 9 मार्च 2020। यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे टू
बैंक अकाउंट, आपके बिजनेस में कैश बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है दोस्तों? क्योंकि आपने बैंक अकाउंट से वो पैसा निकाला है, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डालेंगे। या फिर दोस्तों जब आप जर्नल एंट्री करके उस जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करते थे तो किस तरह से करते थे? जब आप कैशबुक के अकाउंट में पोस्टिंग करते थे तो वहाँ पे आप लिखते थे टू बैंक अकाउंट। जब आप बैंक अकाउंट के लेजर में पोस्टिंग करते थे तो वहाँ पे लिखते थे बाय कैश अकाउंट। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अमाउंट कितना दोस्तों? 5000। और ये 5000 किस कॉलम में जाएगा? कैश के कॉलम में, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका बैंक अकाउंट घट रहा है, बैंक अकाउंट से आप पेमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एंट्री हम पेमेंट साइड में भी करेंगे। ट्रांजेक्शन का डेट सेम रह जाएगा 9 मार्च 2020, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट कितना दोस्तों? 5000। और ये अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा? बैंक साइड में आ जाएगा, बिकॉज बैंक अकाउंट से आपका 5000 रुपीस निकल रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको सी लिखना है, यानी कि कॉन्ट्रा का साइन देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको साइन जरूर देना है। इससे पता चलता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी कि इससे रिलेटेड एंट्री यहाँ पे भी किया गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक रुपीज 3000। 3000 रुपया का फर्नीचर परचेज किया गया है और पेमेंट कैसे किया गया है? बाय चेक, ठीक है, बाय चेक पेमेंट किया गया है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट साइड में इसका एंट्री करेंगे। ट्रांजेक्शन का डेट 10 मार्च 2020, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? बाय फर्नीचर अकाउंट, बिकॉज फर्नीचर परचेज करने के अगेंस्ट में आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट कितना दोस्तों? 3000। और ये 3000 किस साइड में जाएगा? किस कॉलम में जाएगा? बैंक के कॉलम में जाएगा, बिकॉज आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम्स चेक रिटर्न्ड बाय बैंक, ठीक है। अब राम्स चेक कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे चार नंबर में आप देख सकते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 4000। राम से आपने 4000 रुपया का जो चेक रिसीव किया था उसे जब आपने बैंक में डाला तो वो बैंक जो है उस चेक को रिटर्न कर दिया, यानी कि बाउंस हो गया वो चेक, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एंट्री हम देख लेते हैं कि इसका एंट्री हमने कहाँ पे किया था। चार नंबर, 4 तारीख को हमने इसका एंट्री यहाँ पे किया था। क्लियर है? ये इसका एंट्री है, यहाँ पे हमने 4000 रुपया बैंक में रिसीव किया था, लेकिन बैंक कह रहा है कि वो चेक हम किसी कारण से नहीं क्लियर कर पाए और वो चेक आपको रिटर्न कर दिया बैंक। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों? कि यहाँ पे आपने 4000 रुपया बैंक में अपने बढ़ा लिया था, लेकिन वो चेक एक्चुअली में क्लियर हुआ ही नहीं। तो इसका रिवर्स एंट्री हमें करना होगा, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे होगा ये देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा था? आपने रिसीव कर लिया था, ठीक है, और ये चेक क्लियर हुआ ही नहीं, तो इसको वापस से हमें क्या करना होगा? पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट साइड में इसका एंट्री कर लेना होगा। ट्रांजेक्शन का डेट हो जाएगा 11 मार्च 2020, और यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों बाय राम अकाउंट, ठीक है दोस्तों। और कितना अमाउंट है? 4000। किस कॉलम में जाएगा? तो बैंक के कॉलम में जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी तरह के बैंक और कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का एंट्री कैशबुक में कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब इस कैशबुक का हम क्लोजिंग करना और बैलेंसिंग करना सीखते हैं। तो दोस्तों क्लोजिंग और बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन कैश और बैंक कॉलम को टोटल कर लेना होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों टोटल रिसिप्ट, और इस साइड में लिखेंगे दोस्तों हम लोग टोटल पेमेंट। क्लियर दोस्तों? अब कैश कॉलम का अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 10, 10, 20 और 2, 22000, यहाँ पे आ जाएगा 22000, ठीक है। उसी तरह बैंक कॉलम का अगर हम टोटल करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 20, 7, 27, 4, 31000। क्लियर है? उसी तरह हम क्रेडिट साइड में भी इसका टोटल कर लेते हैं, कितना जाएगा? 7 और 5, 12000। और बैंक कॉलम का अगर हम टोटल कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 21000। क्लियर है? तो इस तरह से आप कैशबुक का क्लोजिंग करेंगे। अब अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो जिस तरह से दोस्तों हम लोग लेजर का बैलेंसिंग करते थे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी आपको अपनाना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये फाइनल टोटल है, इसलिए यहाँ पे नीचे में आपको दो बार लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर है दोस्तों? उसी तरह क्रेडिट साइड में भी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों देखना होगा आपको कि किस साइड का अमाउंट, कैशबुक की किस साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कैशबुक का क्लोजिंग और बैलेंसिंग करते हैं तो डेबिट साइड का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है,
बिकॉज कैश कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए कैश बुक का जब भी आप क्लोजिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो कैश बुक का आपका डेबिट साइड का अमाउंट हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में ही सिर्फ आपका कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 22,000 कैश का है और 31,000 बैंक का है। क्रेडिट साइड की बात करें तो कैश में 12,000 है और बैंक में 21,000 है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जो ज़्यादा अमाउंट होता है उसी को हम फाइनल टोटल में लिखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22,000, उसी तरह यहाँ पे 31,000 और कैश के कॉलम में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 22,000 हो जाएगा यहाँ पे और बैंक के कॉलम में ये वाला 31,000 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल है और ये टोटल है, ये दोनों में डिफरेंसेज है, तो हमें ये डिफरेंस निकालना होगा। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10,000 और यहाँ पर भी अगर हम डिफरेंस निकालें 31 में से 21, तो यहाँ भी आ जाएगा 10,000। क्लियर है? इस डिफरेंस को हम बोलेंगे दोस्तों बाय बैलेंस CT। ठीक है, यही आपके कैशबुक का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, जिसे कि आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर पीरियड में कैरी डाउन करना है। चलिए, ये तो हो गया दोस्तों कैशबुक का क्लोजिंग। अब अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो जिस डेट को आप कैशबुक का बैलेंसिंग करेंगे, यानी कि जिस डेट को आप कैशबुक का ओपनिंग बैलेंस लाएंगे, वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉड डाउन, जो कैरिड डाउन बैलेंस था उसे आपने ब्रॉड डाउन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और बैंक के कॉलम में भी हो जाएगा 10,000। जैसा कि हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखा था कि कैश इन हैंड आपके बिजनेस में कितना था, 10,000 और कैश एट बैंक कितना था, 20,000। तो उसी तरह अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर पीरियड एंड होने के बाद आपके बिजनेस में कितना बैलेंस बच गया, तो 10,000 कैश का बैलेंस बच गया और 10,000 बैंक का बैलेंस बच गया। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से आप किसी भी तरह का डबल कॉलम कैश बुक को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो बैंक और कैश कॉलम हो, या फिर वो कैश और डिस्काउंट कॉलम हो, या फिर वो बैंक और डिस्काउंट कॉलम हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को देखा। अगर कैश और डिस्काउंट रहेगा तो यहाँ पे बैंक के जगह पे डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे भी बैंक के जगह पे डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।